गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार करंट अफेयर्स 2023 से संबंधित एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेके 200 तक के प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। साथियों, यह बिहार एसपीडी जो है वह बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें दरोगा की तैयारी कर रहे उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वह बिहार एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट को इस सेशन से बहुत लाभ मिलने वाला है। तो साथियों, इस चैनल पे बने रहेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर पटना चिड़ियाघर में कहाँ से काला तेंदुआ लाया गया था? साथियों, यह जो 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, उस अवसर पर पटना चिड़ियाघर में काला तेंदुआ लाया गया था, और वह लाया गया था असम स्टेट जू से। ऑप्शन बी नंबर हमारा सही आंसर होगा। साथियों, इस चैनल पर बने रहेंगे और आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहाँ पे एसपीडी के तमाम करंट अफेयर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें 812 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो है वह संकलन किया हुआ है। इसके अलावा ज्ञान बिंदु करंट अफेयर्स 2023 से संबंधित सारे एमसीक्यूज का वीडियो वहाँ पे अपलोड किया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी वहाँ अपलोड किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है? तो इसके लिए बिहार राज्य सरकार की अगर बात करें, तो उनके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल जो है 30.16 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 3, नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो साथियों, इस मामले में एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का बेगूसराय जिला जो है वह अव्वल रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 4, बिहार की किस महिला को एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अस्मिता गुप्ता को। साथियों, अस्मिता गुप्ता जो है उन्हें एशियाई विकास अनुसंधान संगठन की अगर बात करें तो उसका सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 5, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों को कटहल की खेती पर बिहार सरकार प्रति इकाई लागत का कितना प्रतिशत अनुदान देगी? तो कुल जो है साथियों 50% तक अनुदान दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, जो कि जो भी किसान कटहल की खेती करेंगे उनको जो लागत आएगी उसका 50% अनुदान के रूप में बिहार सरकार के द्वारा सहयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 6, 23 जुलाई 2023 को आयोजित 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इस श्रेणी में साथियों तृतीय पुरस्कार दिया गया है, जो 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह दिया गया था उसमें साथियों बिहार को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 7, बिहार में जातिगत गणना पर रोक अब उच्च न्यायालय ने हटा दी है, और बताएं कि किस तिथि से जातिगत जो है जनगणना उसकी शुरुआत हुई है? तो साथियों, इसे बीच में रोक दिया गया है और इसकी शुरुआत जो है उसे 7 जनवरी 2023 से शुरू कर दी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, किस जिले की खुशबू झा को वीमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? साथियों, यह खुशबू झा किस जो है जिले से इनका संबंध है? तो साथियों, यह सहरसा की रहने वाली हैं खुशबू झा, जिनको वीमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 9, नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स निर्यात सूचकांक में बिहार को ओवरऑल कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों, इस इंडेक्स में जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था निर्यात सूचकांक में बिहार को ओवरऑल 22वां स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10, एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 65 वर्षों के इतिहास में
किस राज्य की बिजली कंपनी पहली बार मुनाफे में आई है? साथियों यह बहुत ही मतलब सुनने में अजीब लग रहा है, तो साथियों बिल्कुल सही है, 65 वर्षों के इतिहास में बिहार जो है, बिहार राज्य पहली बार, बिहार राज्य की कंपनी जो अगर बात की जाए बिजली कंपनी की, तो वह मुनाफा दर्ज की है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI ने बिहार के किस जिले को जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है? तो यह दर्जा दिया गया है भागलपुर को, फूड भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा भागलपुर को साथियों जुलाई 2023 में स्ट्रीट फूड हब का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 12। किस राज्य के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच $295 मिलियन का यानी कि $295 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है बिहार राज्य का एशियाई विकास बैंक के साथ, और वह किस लिए? राज्य के जो भी राजमार्ग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। प्रश्न संख्या 13। हाल के घोषणा के अनुसार किस राज्य में लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी? तो यह जो है वित्तीय सहायता राशि, जो भी लेबर होते हैं, जो भी कामगार मजदूर होते हैं, उनको, वह जिनके पास यह लेबर कार्ड होगा यानी कि अवेलेबल होगा, उनको साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी, और यह बिहार में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 14। बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो इसकी स्थापना खेल को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय की अकादमी की स्थापना नालंदा में की जाएगी। प्रश्न संख्या 15। केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है, और इसका नाम जो है यानी कि नामकरण क्या किया गया है? तो इसको नाम दिया गया है NH 319B, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16। नई दिल्ली में आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में 23 जुलाई 2023 को किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो साथियों यह अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में 23 जुलाई 2023 को बिहार को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रश्न संख्या 17। अर्जेंटीना में होने जा रहे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस जिले के अनुज कुमार सिंह का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटर के रूप में हुआ है? तो साथियों यह जो है मेंटर के रूप में अनुज कुमार सिंह, जो कि राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के मेंटर बनेंगे, उनका संबंध साथियों कैमूर से है, वह कैमूर के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यह जो है बिहार सरकार के द्वारा अश्वमेध देवी को जो है वह महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19। बिहार के किस जिले में 27 जुलाई से अगले 72 घंटे के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है? तो यह लगाया गया था साथियों दरभंगा में, 27 जुलाई से 72 घंटों तक के लिए बैन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20। हाल में बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की है, बताएं वर्ष 2021-22 के लिए कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा? तो कुल मिला के साथियों यह 2021-22 में कुल 9 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा, और बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों की घोषणा की, उसी के अंतर्गत इन 9 साहित्यकारों को 2021-22 में सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 21। भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किन्हें पहला भोजपुरी फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह भोजपुरी क्षेत्र में, भोजपुरी सिनेमा में अपने योगदान के लिए मनोज तिवारी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 22। बिहार में कहां एक माह तक चलने वाले ऐतिहासिक राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो साथियों यहां नीतीश कुमार तो गलत लिखा हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मलमास मेला का उद्घाटन साथियों, एक माह तक चलने वाली ऐतिहासिक इस राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा राजगीर में किया गया है,
ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23, केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा बिहार में कहाँ 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इस केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी के द्वारा बिहार में जो 25 से 27 जुलाई 2023 तक अमृत युवा कलोत्सव का आयोजन किया जाएगा, इसका जो है प्रेमचंद रंगशाला में साथियों इसका आयोजन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 24, बिहार सरकार ने चौथे ग्रीन बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। तो यह चौथे ग्रीन बजट में बिहार सरकार के द्वारा 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी कि उनके द्वारा 28% इस ग्रीन बजट में बढ़ोतरी की गई है। प्रश्न संख्या 25, बिहार के किस जिले के मुकेश कुमार ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया है। तो साथियों ये मुकेश कुमार जो है उनका संबंध जो है साथियों वह गोपालगंज से है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया है। तो कुल मिला के 5 जो है उन 5 जिलों को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 18 जुलाई 2023 को लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर राज्य का चौथा नदी थाना खोला गया है। यह नदी थाना जो है कुशेश्वर स्थान दरभंगा में खोला गया है, जो कि राज्य का चौथा नदी स्थान होगा। प्रश्न संख्या 28, बिहार के किस जिले में प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो साथियों पटना जिले में अगर बात की जाए, बिहार के पटना जिले में प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 29, विपिन मनुभाई पंचोली जिन्हें हाल ही में पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, किस हाईकोर्ट में जज थे, यानी यहाँ पे नियुक्त होने से पहले वह जो है गुजरात हाईकोर्ट में साथियों जज के रूप में कार्यरत थे। प्रश्न संख्या 30, बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो यह जो शैलेश कुमार है उनका बिहार के जमुई से संबंध है, जिन्होंने साथियों पेरिस में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 31, स्कूली शिक्षा सूचकांक में परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है। तो इस जो है स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार का नालंदा जिला जो है साथियों वह राज्य में अव्वल रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी प्रथम ग्रेडिंग सूचकांक में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है। तो यह जो जारी किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, उसमें बिहार को साथियों आकांक्षित 2 श्रेणी में रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की सुमन कुमारी ने रजत पदक जीता है। तो साथियों सुमन कुमारी का संबंध जो है वह बेगूसराय से है, जिन्होंने 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के तरफ से बेगूसराय की रहने वाली हैं, इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, साथियों सिल्वर मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 34, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों जिसमें बिहारी व्यापारियों को किस देश में अक्टूबर 2023 में आयोजित होने वाले ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का न्योता मिला है। तो यह अगर बात की जाए साथियों इसका आयोजन जो है वह इंडोनेशिया में किया जाएगा, और इस इंडोनेशिया में बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो सदस्य हैं जो बिहारी व्यापारी हैं उनको इंडोनेशिया में होने वाले इस ट्रेड एक्सपो में शामिल होने का न्योता मिला है, बहुत ही गर्व की बात है। प्रश्न संख्या 35, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा में अपना मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया। बताएं कि वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के किस जिले के रवि कुमार शामिल थे। तो इस इसरो का जो है टीम जो कि चंद्रयान 3 से
इस चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित है उसमें बिहार के रवि कुमार भी सम्मिलित थे और उनका संबंध साथियों सीतामढ़ी से है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36, बिहार के किस जिले के खिजरसराय प्रखंड क्षेत्र में बिहार लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा गारलैंड ट्रेंच बनाया गया है? तो यह बनाया गया है साथियों गया में। गया में खिजराय प्रखंड क्षेत्र में बिहार लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा गारलैंड ट्रेंच को निर्मित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने हाल ही में बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की है? तो यह उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा बोला गया है कि बिहार के किस जिले में खादी मॉल खोलने की घोषणा की गई है, तो उनके द्वारा भागलपुर में खादी मॉल खोलने की घोषणा किया गया है, भारत के बिहार के सॉरी उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा। प्रश्न संख्या 38, अगस्त 2023 में अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षण कैंप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो यह चयन किया गया है यहाँ पे अनुज कुमार और सुशांत सिंह, इन दोनों का चयन साथियों अर्जेंटीना में होने वाले वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय टीम में के प्रशिक्षण कैंप में इनका चयन किया गया है और वह बिहार से संबंधित है, जिनका नाम है अनुज कुमार और सुशांत सिंह, तो यह दोनों हो जाएंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 39, बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है? तो कुल मिला के 205 से अधिक प्रजातियां जो है वह पाई गई है और यह बिहार वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया था। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जिसे RJD के नाम से जाना जाता है 5 जुलाई 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो उनके द्वारा साथियों 27वां स्थापना 5 जुलाई 2023 को RJD ने अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया था। प्रश्न संख्या 41, किस राज्य की पुलिस ने कथित तौर पर धन संशोधन में शामिल 100 से अधिक मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? तो साथियों बिहार राज्य की पुलिस के द्वारा धन संशोधन में सम्मिलित ऐप को जो है कुल 100 ऐप को लगभग जो है बैन किया गया है, उसको प्रतिबंधित किया गया है। प्रश्न संख्या 42, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? तो साथियों बिहार राज्य सरकार के द्वारा बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति और 2023 को स्वीकृति प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 43, चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में उत्कृष्ट कार्य के लिए बिहार को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसमें इसके लिए बिहार को गोल्ड अवार्ड से यानी कि गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया है चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में अपने बेहतर कार्य करने के लिए। प्रश्न संख्या 44, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार किस राज्य को पीछे छोड़कर सूक्ष्म उधार लेने वाला शीर्ष राज्य बनकर उभरा है? तो इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ा है और बिहार जो है सूक्ष्म उधार लेने वाले में शीर्ष राज्य बनकर उभरा है। प्रश्न संख्या 45, 5 जुलाई 2023 को लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा की अगर बात करें, उनके संस्थापक और पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। बताया कि उनको किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो साथियों रामविलास पासवान जो कि लोजपा के संस्थापक थे, उनको 2021 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 46, बैंकॉक थाईलैंड में होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है? तो यहाँ पे बॉबी कुमार की अगर बात करें साथियों, उनका चयन बॉम्बे थाईलैंड में होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए उनका सिलेक्शन किया गया है। साथियों आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे मेहनत के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए साथियों इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ शेयर भी जरूर करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 47, बिहार में किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा जहाँ मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा? तो इसके लिए साथियों मिठापुर
पटना में साथियों क्या किया जाएगा, मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा, ताकि क्या हो, मछली के उत्पादन में, उनकी सुरक्षा में, उनके बढ़ोतरी में क्या हो, आप शिक्षित हो पाए, जो भी मछुआरा है उनको ट्रेन किया जाएगा। तो इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मीठापुर पटना में यहाँ पे मछली रिसर्च सेंटर का स्थापना किया जाएगा, इसका निर्माण होगा। प्रश्न संख्या 48, बिहार सरकार ने राजभाषा पुरस्कारों 2020 से 21 और 2021 से 22 के लिए कितने लोगों को हिंदी सेवा सम्मान देने की घोषणा किया है। तो इनके द्वारा बिहार सरकार ने 24 की अगर बात की जाए, 24 लोगों को हिंदी सेवा सम्मान देने के लिए, जो कि राजभाषा पुरस्कार 2020 से 21 और 2021 से 22 से संबंधित होगा, उनमें कुल 24 लोगों को हिंदी सेवा सम्मान देने की घोषणा किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 49, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 19 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, प्रश्न की पुनरावृत्ति है, इस प्रश्न को साथियों हमने पहले भी किया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका राजगीर। प्रश्न संख्या 50, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है बिहार के 5 अगर जिलों की बात की जाए, उसे भूमि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। साथियों द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो भारत की 15वें क्रम की यह राष्ट्रपति है, और साथ ही अगर बात करें साथियों तो यह संथाल जाति से आती है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा फैक्ट याद रखते जाएंगे। प्रश्न संख्या 51, बिहार के कौन से जिले 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन वाले जिला बनने जा रहे हैं। अगर बात करें बिहार का वह जिला जो कि 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन बनने वाला, डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला जिला बनने जा रहा है, तो वह है साथियों अरवल और शेखपुरा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 52, बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है। तो इसका अवधि बढ़ा के 2025 तक कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53, हाल ही में जहरीली व नकली शराब की पहचान के लिए बिहार सरकार ने कहाँ रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है। यानी कि अगर बात की जाए, जो भी नकली और जहरीली शराब होती है जिससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है, तो उसका परीक्षण केंद्र, उसको, उस रसायन का परीक्षण केंद्र की अगर बात की जाए, उसे खोलने का जो निर्णय लिया गया है वह खोला जाएगा सहरसा में। प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में कहाँ मिलेट, यानी कि मिलेट उसे कहा जाता है साथियों जो मोटा अनाज होता है, और स्पेशियली यह बाजरा को डिकोड कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाजरा ही, जो भी मोटे अनाज है उन्हें मिलेट्स कहा जाता है, ठीक है। तो बाजरा जो और मोटे अनाज है, उस महोत्सव का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में कहाँ पर किया गया है। तो इसका आयोजन साथियों ज्ञान भवन में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 55, बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में बिहार के किस खिलाड़ी ने, ठीक है, किस जो है खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो यह जीता है साथियों गजेंद्र कुमार के द्वारा। गजेंद्र कुमार ने साथियों बर्लिन जर्मनी में, बर्लिन अगर बात करें जर्मनी की राजधानी की अगर बात की जाए, तो बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के 400 मीटर की प्रतिस्पर्धा में बिहार के लिए सिल्वर मेडल जीता है गजेंद्र कुमार ने। प्रश्न संख्या 56, फिट इंडिया क्विज 2022 में बिहार के कितने छात्रों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें कुल मिला के 2 छात्रों को सम्मानित किया गया है फिट इंडिया क्विज 2022 में। प्रश्न संख्या 57, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में किस राज्य को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार साथियों मिला है बिहार को, जो कि कृषि बागवानी प्रदर्शन में बागवानी को बढ़ाने में, बागवानी को डेवलप करने में, बढ़ाने में यह प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 58, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो यह जो है 75वां स्थापना दिवस था, जो कि 1 अप्रैल 2023 को मनाया गया बिहार लोक सेवा आयोग का। यानी अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, बजट 2023 से 24 में किस पर सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा की गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 60, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए उपबंधित राशि जो है वह कितनी है। तो यह वित्तीय वर्ष 2000 यानी कि फिनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए कुल मिला के 16,131 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है, व्यवस्था किया गया है। प्रश्न संख्या 61, नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा राज्य है। देखिए इसमें सबसे निचले पायदान पर जो है बिहार है, जो कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक है जो जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। प्रश्न संख्या 62, चर्चा में रहा सिमरिया धाम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह साथियों बेगूसराय में है सिमरिया धाम। प्रश्न संख्या 63, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जाएगा। देखिए यहाँ भारत का नहीं कह रहा है, बिहार का सबसे बड़ा कह रहा है। तो बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है वह उसका निर्माण मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 64, छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार के अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता है। तो इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है अंशु कुमारी के द्वारा, उन्होंने छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 65, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार को इसमें चौथा स्थान दिया गया है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार चौथे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 66, इंडिया पॉजिटिव के द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन साथियों बिहार की राजधानी पटना में किया गया है, इंडिया पॉजिटिव के द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का। साथियों आप वीडियो को लाइक करते चलेंगे और जो भी व्यूअर इस चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बिहार दरोगा का बेहतर आप देखेंगे। जो भी यहाँ पे वीडियो डाला गया है कोई भी व्यू के लिए नहीं डाला गया है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से डाला गया है। यह बिहार दरोगा की तैयारी में बेहतर सहयोग के लिए डाला गया है। आप जो भी वीडियो देखेंगे आप देखेंगे कि यह कंटेंट एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, और जब एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा तो हम अपने वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, बताएंगे कि कौन प्रश्न कहाँ से आई हैं। चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो को आप कंप्लीट करेंगे, सेशन को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे आपका करेंट अफेयर्स की अगर बात करें, चूँकि अभी मैं करेंट अफेयर्स बता रहा हूँ तो कोई भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं आएगा। जितने भी मैंने करेंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए हैं अगर आप उन तमाम वीडियो को देख जाते हैं कंप्लीट कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रश्न आपका अब एक दो जो है रेयर ऑफ रेयर चांसेस होगा, एक दो प्रश्न हो सकता है नहीं आए, लेकिन लगभग प्रश्न यहाँ से कवर हो जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की तरफ, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला है। तो साथियों यह भी पूर्व में प्रश्न किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा शकील अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 68, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को कौन से स्थान के लिए पुरस्कार मिला है। तो इसमें बिहार को तृतीय पुरस्कार दिया गया है, तृतीय स्थान के लिए पुरस्कार दिया गया है चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। प्रश्न संख्या 69, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल 2023 पुरस्कार में बिहार के किस ANM को यह पुरस्कार दिया गया है। तो यह पुरस्कार साथियों गायत्री कुमारी को दिया गया है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटेंगल 2023 का पुरस्कार गायत्री कुमारी को प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 70, बिहार में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस जिले में हो रहा है या किस जिले में किया जा रहा है। तो इसका निर्माण साथियों विराट रामायण मंदिर का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 71, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में बिहार के किस उद्योग को शीर्ष पुरस्कार मिला है। तो इसमें NTPC बरौनी को सर्वश्रेष्ठ उद्योग की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 72, बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति मिली है। तो यह मूर्ति साथियों खुदाई के दौरान जो कि इसका अनुमान लगाया गया है कि यह लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और यह मूर्ति जो है लखीसराय से प्राप्त किया गया है। प्रश्न संख्या 73, हाल ही में किसे बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया है।
तो साथियों, यह बहुत ही अपने आप में बड़ा सम्मान है और इस बिहार रत्न सम्मान से सोनी चौधरी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 74। सिक्किम में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है? साथियों, तो यह जीता गया है राहुल कुमार के द्वारा। उन्होंने सिक्किम में आयोजित नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए सिल्वर मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 75। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 को टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के कितने संस्थानों को स्थान मिला है? तो कुल मिला के 6 संस्थान को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की टॉप 100 रैंकिंग में इस 6 संस्थानों को स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 76। बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट किस जिले में बनाया गया है? तो साथियों, यह भागलपुर में बनाया जा रहा है, जो कि क्या है, या बनाया गया है, बना भी दिया गया है। तो यह बिहार राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट होगा। प्रश्न संख्या 77। 77 नंबर में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है मुजफ्फरपुर में किया गया है, और यह क्या होगा, बिहार राज्य का अगर बात की जाए तो यह दूसरा इथेनॉल प्लांट होगा। प्रश्न संख्या 78। पंचायती राज संस्थानों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन की अगर बात करें तो इस वित्तीय प्रबंधन के लिए किस राज्य में एक पंचायत एक बैंक खाता योजना की शुरुआत की जाएगी? तो इसके लिए एक बैंक और एक खाता की शुरुआत बिहार में किया जाएगा, जो कि पंचायती राज संस्थाओं में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए मददगार साबित होगा। प्रश्न संख्या 79। बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कितने जिलों में खेलो इंडिया के अंतर्गत ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे? तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कुल 33 की अगर बात की जाए, 33 जिलों में स्पोर्ट्स अकेडमी या स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाएंगे। प्रश्न संख्या 80। किसी व्यक्ति के द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए NN कॉलेज के BCA के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो इस ऐप का नाम है साथियों, रक्षक ऐप। यह जो है रक्षक ऐप की अगर बात की जाए कि अपने संबंधियों को इमरजेंसी सिचुएशन में मैसेज देने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है NN कॉलेज के BCA के छात्रों के द्वारा, और उस ऐप का नाम है रक्षक ऐप। प्रश्न संख्या 81। PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? तो इस पाइपलाइन जो है, इस पाइपलाइन की अगर बात की जाए, PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन, इसके तहत बिहार के कुल मिला के जो है वह जो 6 जिला वह इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 82। हाथी पाँव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? यानी कि जिनको हाथी पाँव है, जिनका पैर फूला रहता है, उनको दिव्यांगता की श्रेणी से जोड़ दिया है, और ऐसा जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला पूर्णिया बन गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 83। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक को लिखा है अजय सिंह ने, जिसका शीर्षक है पटना खोया हुआ शहर। प्रश्न संख्या 84। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो इसमें साथियों, रवि कुमार जो कि सीतामढ़ी से संबंधित है, अमिताभ कुमार जो कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं, सुधांशु कुमार जिनका संबंध गया से है, ये सभी चंद्रयान 3 मेंबर के सदस्य रहे हुए हैं। जो टीम ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है उनमें एक सदस्य के रूप में रवि कुमार, सुधांशु कुमार और अमिताभ कुमार जो है उसमें भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 85। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो बिहार का पहला साइबर थाना की अगर बात करें तो इसे पटना में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 86। बिहार के किस विभाग के द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो इस बिहार के किस विभाग के संदर्भ में पूछा जा रहा है? तो यह पर्यटन विभाग ने होम स्टे योजना की शुरुआत की है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 की तरफ। बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का
बाल साहित्य पुरस्कार से प्रदान किया गया अथवा सम्मानित किया जाएगा। तो यह सम्मान जो है अक्षय आनंद सन्नी को प्रदान किया जाएगा बिहार के मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का। प्रश्न संख्या 88, वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो 2022-23 के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के लिए, इस अभियान के लिए जो है वह 603 करोड़ रुपए की राशि बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न संख्या 89, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? देखिए कुल व्यय यानी कि टोटल जो भी एक्सपेंस है उसका पूछा गया है कि राजस्व व्यय कितना प्रतिशत है, तो यह है 79.37%, यानी कि 79.37% जो है वह जो है राजस्व व्यय है कुल व्यय का। प्रश्न संख्या 90, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल कितने करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है? तो इस 7 निश्चय 2 का संबंध जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कुल जो है 5000 करोड़ रुपए का खर्च करने का उपबंध किया गया है, व्यवस्था किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 91, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए उपबंधित राशि कितनी है? तो कुल जो है इस जलापूर्ति योजना के लिए बजट 2023-24 में 450.50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह साथियों बजट से संबंधित प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तो इसे ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे, प्रश्न 1 या 2 यहां से आने वाला है। प्रश्न संख्या 92, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से किस वर्ष तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह बजट 2023-24 है, उसमें टीबी रोग से उन्मूलन का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 93, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 94, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में कौन सा कथन इनमें से साथियों सही है? तो यहाँ पे पहले नंबर ऑप्शन की या स्टेटमेंट की बात करें जो कि कृषि रोड मैप के संबंध में दिया हुआ है कि इसकी अवधि 2023 से 2028 तक है, यानी कि यह जो चौथा कृषि रोड मैप है बिहार का उसकी अवधि 2023 से 2028 तक है, तो यह हमारा सही है। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इसके तहत यानी कि बिहार में जो चौथा कृषि रोड मैप है उसके तहत कुल मिला के 101.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यह भी आपका जो है सही स्टेटमेंट है। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि इस चौथे कृषि रोड मैप के तहत दलहन तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर किया जाएगा, यानी कि जोर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि क्या होगा साथियों सारे के सारे ऑप्शन सही होंगे। प्रश्न संख्या 95, बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 को। प्रश्न संख्या 96, वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन हरियाली के लिए उपबंधित राशि कितनी है? तो यह जल वित्तीय की अगर बात की जाए जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कुल मिला के 421.71 करोड़ रुपए खर्च करने का व्यवस्था किया गया है, यानी कि इस जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 421.71 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 97, बिहार के किस जिले में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है? साथियों इस बिहार के पटना में आम महोत्सव की अगर बात की जाए तो आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 98, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के रूप में चुना गया है? बहुत ही उपलब्धि है यह भारतवासियों के लिए और स्पेशली बिहारियों के लिए, तो यह बिहार के व्यक्ति हैं समीर पांडे, जिनको ऑस्ट्रेलिया में मेयर के रूप में चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 99, बिहार में वर्ष 2022 से 23 में
कितने टन मछली का उत्पादन हुआ है। तो यह 2023-22 से 23 की अगर संदर्भ में कुल मछली का उत्पादन बिहार में 8.4 लाख टन उत्पादित किया गया है। इस मछली का उत्पादन 8.4 लाख टन हुआ है। प्रश्न संख्या 100, PMFME योजना को लागू करने में बिहार देश में कौन से स्थान पर रहा है। तो इस संदर्भ में लागू करने में बिहार अव्वल रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 101, हाल ही में भारत सरकार ने किन्हें पटना हाई कोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। तो भारत सरकार के द्वारा पटना हाई कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के पद पर पुनः यानी कि दोबारा से कृष्णनंदन सिंह को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 102, बिहार के किस जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जाएगा। तो यह दूसरे अगर बात की जा रहा है, दूसरा सबसे बड़ा जो कि बिहार के पटना में बनाया जाएगा और यह हड्डी से संबंधित जो भी बीमारी होगी वहाँ इसका इलाज होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 103, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के किस जिला में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। तो यह जो है बिहार के अगर बात करें गया में, साथियों कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत यह जो है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर क्लस्टर की स्थापना गया में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 104, हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को इकोनॉमिक टाइम का इंस्पायरिंग पाल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, इकोनॉमिक टाइम का इंस्पायरिंग पाल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार यह सम्मानित किया गया है इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर डे कॉन्क्लेव 2023 में। तो यह सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सुधीर कुमार को, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 105, किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण साथियों वैशाली में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 106, हाल ही में बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है। तो यह बिहार में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में दूसरा स्थान बिहार ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 107, बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। तो यह जीता गया है सिल्वर मेडल राधेश्याम यादव के द्वारा, उन्होंने एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है बिहार के लिए। प्रश्न संख्या 108, हाल ही में इंडिया पॉजिटिव के द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया। तो इस बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन साथियों पटना में किया गया है। प्रश्न संख्या 109, हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह पटना नगर निगम की अगर बात की जाए, इनके द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 110, हाल ही में बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा के किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो उनकी फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है यानी कि छोटा फिल्म जो होता है वह गिद्ध है, जो कि बिहार के निवासी अभिनेता हैं संजय मिश्रा, उनकी यह लघु फिल्म है गिद्ध, उनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्रश्न संख्या 111, किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यह जो है यह कॉपी मॉडल कह सकते हैं, यह इंदौर के तर्ज पर अगर बात की जाए, इंदौर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रीय की अगर बात की जाए, पूरे नेशनल लेवल पर भारत में स्वच्छता के मामले में इंदौर प्रथम स्थान पर आता है। तो इन्हीं को आधार मानते हुए, अपना बेस मॉडल मानते हुए, यह पटना में, बिहार की राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण की ओर से मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है और यह एक अच्छा पहल है। प्रश्न संख्या 112, बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर रहा है, यानी कि बिजली आपूर्ति करने में, यानी कि अपने जो नागरिक हैं अपने जहुन को बिजली उपलब्ध कराने के मामले में पूछा गया है कि बिहार का देश में
कौन सा स्थान रहा है, तो इस संदर्भ में बिहार का पूरे देश में 5वां स्थान रहा है। अपने लोगों को, अपने नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने में बिहार पूरे देश में 5वें स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 113, हाल ही में किस तिथि को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। देखिए प्रश्न में क्या है, पटना से रांची के बीच जो है वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है, तो यह किस तिथि को किया गया है याद रखेंगे, और मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, इसकी शुरुआत की गई है 27 जून से। 27 जून से वंदे भारत ट्रेन का परिचालन यहाँ पे पटना और रांची के बीच शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 114, बिहार के किस जिला में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की अगर बात की जाए तो उसका स्थापना किया जाएगा पटना में, और यह पटना के मीठापुर में किया जाएगा, मीठापुर में। इससे क्या होगा कि मछली से संबंधित क्या किया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, उनको शिक्षित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 115, केंद्र सरकार के चिप टू स्टार्टअप योजना में बिहार के कितने प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया है, इसमें बिहार के कुल मिला के 3 प्रौद्योगिकी संस्थान को शामिल किया गया है केंद्र सरकार के चिप टू स्टार्टअप योजना में। प्रश्न संख्या 116, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के किस जिला का गजेटियर तैयार किया जा रहा है, पूछा गया है प्रश्न में साथियों कि फिर से समझेंगे कि यह पायलट प्रोजेक्ट है उसके तहत बिहार के किस जिला को गजेटियर तैयार किया जा रहा है, तो यह साथियों जिला हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी कि कौन कौन, दरभंगा और पटना, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हमारा सही हो जाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है गजेटियर तैयार किया जा रहा है पटना और दरभंगा दोनों को। प्रश्न संख्या 117, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से बैंकॉक, यानी कि जो थाईलैंड की अगर बात की जाए, थाईलैंड बैंकॉक में, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, तो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होने वाले 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में किया गया है। देखिए प्रश्न, ये जो टकरा लगा देता है ना, उसका नाम दिया गया है चैंपियनशिप का, तो 36वें किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी का चयन किया गया है जो कि बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जाएगा, तो यह इसके लिए चयनित किया गया है बॉबी कुमार को। ठीक है, प्रश्न लंबा है लेकिन प्रश्न आसान है, सीधे सीधे अगर इस प्रश्न को समझेंगे तो यह थाईलैंड में आयोजित की जाएगी 36वां किंग्स वर्ल्ड कप का आयोजन हो जाएगा, वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप का, उसमें बॉबी कुमार का चयन किया गया है बिहार की तरफ से। सीधा सीधा प्रश्न है, उसको इतना लंबा चौड़ा करके कन्फ्यूज कर दिया है। प्रश्न संख्या 118, बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है, तो यह घोषणा किया गया है डॉक्टर आरती राजहंस, जो कि बिहार के विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री हैं, उन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 119, हाल ही में बिहार के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर अमृता को, डॉक्टर अमृता को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 120, एक घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिले में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा, तो यह मद्य निषेध विभाग की तरफ से एक पहल है, उनके द्वारा जो है कुल 38 जिलों में मद्य निषेध विभाग की ओर से नशा मुक्ति शिविर जो है या नशा मुक्ति केंद्र को खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 121, देश भर में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान सत्य है, तो अगर बात करें यहाँ पे पहला स्थान किशनगंज को दिया गया है, और यहाँ पे साथियों अगर बात करें तो दूसरा स्थान जमुई को दिया गया है। ठीक है, तो पहला स्थान किशनगंज यह आपका गलत हो जाएगा, इसमें दूसरा स्थान जमुई को दिया गया है और तीसरा स्थान बांका को दिया गया है। प्रश्न संख्या, और आपको कमेंट करके बताना है पहला स्थान किसे दिया गया है। प्रश्न संख्या 122, बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन हुआ है, तो यह मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन साथियों मधुबनी में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 123, हाल ही में बिहार के 118,000 निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को किस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है, तो इनको स्वाभिमान एप्लीकेशन से जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 124,
बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया जाएगा? तो यह खिलाड़ी हो जाएंगी खुशी कुमारी, जिनका जो कि अंडर 17 कैटेगरी में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में इनको क्या किया जाएगा, चयन किया गया है या चयन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 125, नीति आयोग के द्वारा देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की अप्रैल 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग में जारी किया गया है। इस रैंकिंग में ओवरऑल रैंकिंग में पूछा गया है कि बिहार के किस जिला को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगर बात करें इसमें गया की, बिहार का जिला है गया, उसे दूसरा स्थान प्रदान किया गया है इस जो है चैंपियन ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग में। प्रश्न संख्या 126, 12 से 16 जुलाई तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो बिहार के तरफ से साथियों शीश भूषण, यहाँ पे गलती है, स इधर होगा इधर होगा, यानी कि शशि होगा, ठीक है, शशि भूषण सिंह का चयन किया गया है। यहाँ पे साथियों शशि भूषण सिंह हो जाएगा, ठीक है, शशि भूषण सिंह हो जाएगा। प्रश्न संख्या 127, बिहार के किस स्थान पर 22 जून को फ्रेंच राजदूत इमैनुअल लेलन की फोटोग्राफी की प्रदर्शनी आयोजित की गई है? तो यह जो पूछा गया है बिहार के किस स्थान पर, तो बिहार के बिहार म्यूजियम पटना में जो है वहाँ पे साथियों यह फ्रेंच राजदूत है इमैनुअल लेलन, उनकी फोटोग्राफी की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 128, हाल ही में ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दूसरे संस्करण जो है जो कि ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोत्सव का होगा, उसका दूसरे संस्करण का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। प्रश्न संख्या 129, हाल ही में किस जिला में बनाए गए वर्षा जल संरक्षण मॉडल को केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया है, यानी कि उनकी सराहना केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह साथियों जो बनाया गया है वर्षा जल संरक्षण मॉडल, उसे गया में बनाया गया है और इसकी प्रशंसा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 130, चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने लिखा है, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। प्रश्न संख्या 131, बिहार के किस खिलाड़ी ने बर्लिन यानी कि जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भारत के लिए कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो यह ब्रॉन्ज मेडल जो है गजेंद्र कुमार ने जर्मनी में यानी कि बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में यह कांस्य पदक गजेंद्र कुमार ने जीता है। प्रश्न संख्या 132, पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में बिहार ने किस राज्य को हराकर यह खिताब जीता है? तो बिहार ने इसमें राजस्थान को हराया और खिताब अपने नाम किया, जो कि साथियों पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित किया गया था जूनियर रग्बी चैंपियनशिप। प्रश्न संख्या 133, चीन ने 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय कराटे टीम में किया है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जाबीन अंसारी और अनन्या आनंद, इन दोनों का चयन साथियों एशियाई जो कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली है, कहाँ पर, चाइना में, और इसके लिए अनन्या आनंद और जाबीन अंसारी का चयन जो है भारतीय कराटे टीम में किया गया है। प्रश्न संख्या 134, बिहार के किस जिले के गायत्री कुमारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इनका संबंध साथियों शेखपुरा की है गायत्री कुमारी, जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 135, बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? तो इनका चयन अगर बात की जाए बिहार के अक्षय आनंद सन्नी हैं, जिनका चयन साथियों मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है या उनका चयन किया गया है। प्रश्न संख्या 136, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवनी पर आधारित पुस्तक नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र से के लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक को लिखा गया है उदयकांत के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 137, हाल ही में किस तिथि को G20 के तहत L20 यानी कि लेबर 20 सम्मेलन का आयोजन राजधानी पटना में किया गया? तो इसका आयोजन 21 से 30 जून 2023 को किया गया L20 यानी कि लेबर 20 का, और यह G20 के तहत ही इसको शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 138, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान जो कि मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शकील अहमद खां को दिया गया है, बिहार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 139, बिहार के किस व्यक्ति को हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है व्यक्ति डॉक्टर कुमार शुभम, जिनको साथियों हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड में प्रथम स्थान दिया गया है, इस अवार्ड से साथियों इनको सम्मानित किया गया है। यह प्रथम स्थान से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 140, बिहार के किस खिलाड़ी को एशियन फुटबॉल लीग अंडर 17 कैटेगरी में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोल कीपर के रूप में चयन किया गया है? तो यह बिहार की रहने वाली हैं खुशी कुमारी, जिनका चयन साथियों बिहार एशियन फुटबॉल लीग अंडर 17 राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में एज अ गोल कीपर उनका सिलेक्शन किया गया है। प्रश्न संख्या 141 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर ब्राजील का प्रसिद्ध ब्राजीलिया आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी आयोजित किया गया है? तो यह आर्किटेक्ट प्रसिद्ध ब्राजीलिया आर्किटेक्ट का प्रदर्शन का आयोजन साथियों बिहार संग्रहालय पटना में किया गया है। प्रश्न संख्या 142, 23 जून से 2 जुलाई तक किस राज्य में बिहार का क्राफ्ट मेला का आयोजन किया गया है? बिहार क्राफ्ट मेला के आयोजन की बात करें तो साथियों इसका आयोजन गुजरात में किया गया है, जो कि 23 जून से साथियों 2 जुलाई तक चलेगा। प्रश्न संख्या 143, 22 जून 2023 को संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू, अगर पटना जू की बात करें तो उसका कौन सा स्थापना दिवस 22 जून को मनाया गया? इसका 50वां स्थापना दिवस जो है वह 22 जून 2023 को मनाया गया था। प्रश्न संख्या 144, हाल ही में बिहार में कहां पर विपक्षी एकता नाम से विपक्ष के सभी नेताओं का बैठक का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन साथियों पटना में किया गया था, ताकि क्या करें अपने दल को मजबूत कर सकें। यह विपक्षी नेताओं के द्वारा विपक्षी एकता नाम से एक विपक्ष के सभी नेताओं का बैठक आयोजित किया गया था बिहार की राजधानी पटना में। प्रश्न संख्या 145, बिहार के किस जिले में भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो बिहार के पटना में साथियों पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखा गया है। प्रश्न संख्या 146, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को दिया गया। बताएं कि इस बरौनी की अगर बात की जाए तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो कि बेगूसराय में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसे 1962 में स्थापित किया गया था, और इसे यह बिहार का जो है इसको क्या हुआ था, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ उद्योग की पुरस्कार में बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को पहला स्थान दिया गया था, यानी कि उसको अब पुरस्कृत किया गया था। प्रश्न संख्या 147, बिहार के किस जिले के रवि सिन्हा को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका संबंध साथियों भोजपुर है, किसे है? रवि कुमार की अगर बात की जाए, इस रवि सिन्हा को रिसर्च एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 148, जून 2023 में बिहार के किस जिला ने कथबलिया में विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया गया है पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 149, G20 के बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया है? तो यहाँ पे संगीता देवी और किरण देवी, इन दोनों का चयन G20 के बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने का, यानी कि वहाँ पे लाइव जाकर उन्होंने डेमो दिया था, इसके लिए इन कलाकार का चयन किया गया था, संगीता देवी और किरण देवी का। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 150,
16 जून 2023 को बिहार में नीतीश सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद किन्हें एससी एसटी कल्याण विभाग का मंत्री बनाया है? तो यह बनाया गया है एससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री के तौर पर रत्नेश सदा को। प्रश्न संख्या 151, हाल ही में बिहार के किस कला को यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला की सूची में डाला है? यानी कि यूनेस्को के द्वारा खेता कला, एक खेता कला है, उसको यूनेस्को ने सांस्कृतिक विरासत कला में की सूची में इन्हें डाला है। प्रश्न संख्या 152, चौथे कृषि रोडमैप के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में धान एवं गेहूं के बीज का हब विकसित किया जाएगा? अगर हम बात करें यह चौथा कृषि रोडमैप जिसके अंतर्गत बिहार के पूछा गया है कि किस क्षेत्र में, तो यहाँ पे मगध क्षेत्र की अगर बात की जाए उस क्षेत्र में धान एवं गेहूं के बीज का हब डेवलप किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 153, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन सैम्बो 2023 प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की अभिलाषा कुमारी ने 2 कांस्य पदक जीता है? तो साथियों, कजाकिस्तान के अस्ताना में जो आयोजित हुआ था एशियन सैम्बो 2023 प्रतियोगिता, उसमें अभिलाषा कुमारी ने 2 कांस्य पदक जीता और उनका संबंध जो है वह पटना से है। प्रश्न संख्या 154, किस जिले के कालिदास रंगालय स्थित बिहार आर्ट थिएटर में 15 जून 2023 को नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया है? तो इस नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन साथियों पटना में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 155, राजकीय स्तर पर बिहार में कहाँ 16 से 18 जून तक आम महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो साथियों यह भी प्रश्न हमने पहले किया है, यह किया गया है ज्ञान भवन में, ठीक है, पटना में। प्रश्न संख्या 156, दिल्ली में आयोजित 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2023 में, देखिए यहाँ 2023 से 23 कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा 2022 से 23 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अभिषेक कुमार ने 78 किलो वर्ग ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल जीता है, जो कि जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था और यह 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स थी, ठीक है। तो वहाँ पे मुजफ्फरपुर के अभिषेक कुमार ने इस 78 किलो वर्ग ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न संख्या 157, रक्षा पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार के कितने जिलों में स्पर्श सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो कुल मिला के साथियों 7 जिलों में जो रक्षा पेंशन दिया जाएगा, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को सुविधाजनक बनाने के लिए कुल मिला के 7 जिलों में स्पर्श सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रश्न संख्या 158, 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2022 से 23 प्रतियोगिता में बिहार की महिला फुटबॉल टीम ने किसे हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई? उसमें साथियों यह बिहार की महिलाओं को ने मेघालय की महिला टीम को हराया था और क्या किया था, फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की थी। प्रश्न संख्या 159, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार के किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा जारी किया है? तो यह जो है साथियों यह जारी किया गया है राजगीर के प्राचीन संरचना के द्वारा, उनके द्वारा जो है वह इसके संरक्षण के लिए जो है संरक्षण के लिहाज से राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने जो जिसका नाम है राजगीर प्राचीन संरचना, उनके द्वारा इस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा एक तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 160, बिहार के किस जिला के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो यह साथियों नालंदा में से संबंधित है, यह नालंदा में है पंचाने नदी, इनको क्या किया गया है, रीडेवलप किया गया है ताकि इन्हें यह फिर से, मैंने इनका जो भी लिंक होगा वह कट गया होगा, तो इसे फिर से शुरू करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 161, नेशनल यूथ बॉक्सिंग में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो बिहार के राहुल कुमार ने नेशनल यूथ बॉक्सिंग में बिहार के खिलाड़ी हैं राहुल कुमार सिन्हा, उनके द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 162, बिहार के किस जिले में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? तो सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया है। प्रश्न संख्या 163,
साथियों आप वीडियो को लाइक करते चलेंगे और जो भी लोग इस चैनल पे, जो भी स्टूडेंट या जो भी व्यूअर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। प्रश्न संख्या 163, किनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है, यानी पुस्तक का शीर्षक है नालंदा और पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, तो इसे अभय कुमार के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 164, बिहार सरकार ने राज्य में बाढ़ और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो इसके लिए राहत पैकेज जारी किया गया है 50 करोड़ रुपए का। प्रश्न संख्या 165, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के तहत भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में बिहार के कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है, तो इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल नहीं होंगी जो कि 2023 में रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत भारत की टॉप 100 यूनिवर्सिटी शामिल था, ठीक है, उसमें बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी को शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 166, हाल ही में बिहार के किस जिले के कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो यह जो कवित्री है और मैथिली लोक गायिका है सोनी चौधरी, जिनका संबंध दरभंगा से है और उन्हें बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 167, हाल ही में जारी राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें बिहार का स्थान दूरसंचार की श्रेणी में सबसे अंतिम स्थान पर रहा है, सबसे निचले पायदान पर रहा है। प्रश्न संख्या 168, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का हरित आवरण क्षेत्र कम से कम कितना प्रतिशत करने का निर्देश दिया है, तो यह निर्देश दिया गया है मिनिमम क्या होगा कैटेगरी 17% तक इसका जो है हरित आवास क्षेत्र का निर्धारण किया जाएगा, कम से कम 17%। प्रश्न संख्या 169, बिहार के किस जिले के बथनाहा से विराट नगर के बीच कार्गो ट्रेन यानी कि मालगाड़ी सेवा का शुभारंभ किया गया है, इसका शुभारंभ साथियों किया गया है बथनाहा से, अगर बात की जाए किस जिले के बथनाहा से, तो यह बथनाहा जिला जो है साथियों अररिया में पड़ता है, ठीक है, ये अररिया जिला जो है, अररिया जिला के बथनाहा एक जगह है, वहाँ से विराट नगर के बीच कार्गो ट्रेन जो कि मालगाड़ी होगी उसके सेवा का पुनः संचालन कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 170, बिहार के किस जिले में कम पानी से मोटे अनाज के लिए तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा, तो इसका निर्माण साथियों गया और वैशाली में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा पदक जीता है, तो यह जो है जिनके दीपांशु कुमार उनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के यह छात्र हैं और इन्होंने इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 172, टेली मेडिसिन ई संजीवनी के तहत 17 मई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए विशेष अभियान में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें बिहार को प्रथम स्थान दिया गया है जो कि टेली मेडिसिन ई संजीवनी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया एक विशेष अभियान था। प्रश्न संख्या 173, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार में बहने वाली किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है, तो यह जो है साथियों इसका आंसर हो जाएगा सोन नदी, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार में जो सोन नदी है वहाँ को उसको घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश बिहार सरकार को दिया है। प्रश्न संख्या 174, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा हाल ही में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो साथियों इसमें बिहार को तीसरा स्थान दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 175, भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान और प्रशिक्षक को बिहार एकलव्य खेल स्कूल का परामर्शी नियुक्त किया गया है, साथियों इसका आंसर हो जाएगा वी भास्करन जो कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और प्रशिक्षक रह चुके हैं, उनको बिहार एकलव्य खेल स्कूल का परामर्शी नियुक्त किया गया है।
वी भास्करन। प्रश्न संख्या 176, बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। अगर बात करें कि इस खेल विज्ञान केंद्र की, तो कुल मिला के बिहार के 5 जगहों पर इस खेल विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी, इसको खोला जाएगा। प्रश्न संख्या 177, हाल ही में बिहार के किस जिले की आम्रपाली सोनू झा ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जिस 2023 का खिताब जीता है। तो यह खिताब साथियों वह दरभंगा की रहने वाली है आम्रपाली सोनू झा, उनके द्वारा जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जिस 2023 का अवार्ड जीता गया है। प्रश्न संख्या 178, सरकारी विद्यालयों में छात्रों या शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। तो सरकारी अगर बात करें उस स्कूलों में छात्रों शिक्षकों के ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि उन पर देख रेख रखने के लिए, ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं, स्टूडेंट सही से सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए जो है साथियों वह बिहार राज्य सरकार के द्वारा एक नई ई शिक्षा कोर्स पोर्टल विकसित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 179, नवीनतम घोषणा के अनुसार 114.97 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में स्थित सिमरिया धाम रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो यह किया जाएगा साथियों बेगूसराय में स्थित सिमरिया धाम है, जिसका 114.97 करोड़ रुपए की लागत से उसका रिवर फ्रंट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, उस जगह को विकसित किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 180, हाल ही में बिहार सरकार ने कितने घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC लेना अनिवार्य कर दिया है। तो यह हो जाएगा 20 घन मीटर, ठीक है। 20 घन मीटर की अगर बात की जाए, इससे ऊपर भूजल के इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए NOC सर्टिफिकेट लेना जो है वह बिहार सरकार से अनिवार्य कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 181, किस राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो पूछा गया है यह किस राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को, तो इसका संबंध हो जाएगा बिहार के, ठीक है, इसका संबंध बिहार से हो जाएगा। बिहार राज्य के कला संस्कृति और युवा विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 182, हाल ही में आई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 9 से कम हो गया है। देखिए अगर बात की जाए 900 से कम होने की, तो बिहार के कुल अगर बात करें तो कुल 19 जिले हैं, वहाँ पे जो है एक सर्वे, एक डाटा जारी किया गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-22 के अनुसार। उनके अनुसार साथियों बिहार के जो 19 जिला है वहाँ पे लिंगानुपात जो है वह 900 से कम हो गया है। प्रश्न संख्या 183, कौन सा राज्य सरकार बिहार का GST मॉडल अपनाएगा। तो यह बिहार का GST मॉडल की अगर बात करें, इसे राजस्थान के द्वारा अपनाया जाएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 184, मई 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है। तो इस संदर्भ में अगर बात करें साथियों, तो इसमें जमुई पहले स्थान पर है, वहाँ पे साथियों आपको किशनगंज पहले स्थान पर था, जो गलत मैंने किया था और आपसे आंसर पूछा था, यहाँ पे क्लियर हो गया है जमुई पहले स्थान पर है और खगड़िया की अगर बात करें साथियों वह अंतिम स्थान पर है। तो यह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, A और B दोनों। प्रश्न संख्या 185, हाल ही में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 3रा संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो यह जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन साथियों छपरा सारण में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 186, किस हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस अन्नी अभिषेक रेड्डी को हाल ही में पटना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। तो इससे पहले वो तेलंगाना हाई कोर्ट में जज रहे थे, उनको साथियों जिनका नाम है अन्नी अभिषेक रेड्डी, उन्हें पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया गया है। प्रश्न संख्या 187, बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है।
इसका आयोजन साथियों भागलपुर में किया गया है। प्रश्न यह पहले भी पूछा जा चुका है कि बिहार मेगा फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। प्रश्न संख्या 188, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ को के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में जल संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो इस ऐप का लॉन्च है, इस ऐप का नाम है बेफिक्र, जिसे साथियों इसके जरिए बिहार और बाढ़ सुखाड़ के जो भी प्रभावित क्षेत्र होंगे उनके आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनको क्या किया जाएगा बेहतर करने के लिए जल संसाधन विभाग का एक है ऐप बेफिक्र। तो यहाँ पे इसके माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं, उस बिहार सरकार से सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, इसी के लिए यह बेफिक्र ऐप लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 189, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है। देखिए यहाँ पे एक बैंक कितनी आबादी को कवर कर रहा है, ऐसा डाटा पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक 16,000 की आबादी पर एक बैंक है, जो कि एक रिपोर्ट है जिसमें बिहार के संदर्भ में यह पूछा गया है। प्रश्न संख्या 190, हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत सक्रिय इंटरनेट यूजर है। तो जो कुल आबादी है उसका कुल मिला के अगर आबादी की अगर बात की जाए, जिसका 32% जो है वह सक्रिय इंटरनेट यूजर है, जो यानी कि जो इंटरनेट का सक्रिय रूप से रेगुलर बेस पर यूज करते हैं, तो 32% इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 191, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपए का साथियों जुर्माना लगाया गया है। तो यह अपशिष्टीकरण के लिए अगर बात की जाए तो जिसमें तो 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना बिहार सरकार पर लगाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 192, हाल ही में CRPF में डिप्टी कमांडेंट पर के पद पर तैनात बिहार के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, बताएं कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं। तो इनका संबंध साथियों बिहार के जमुई से है, ठीक है, जो कि CRPF में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात है, और विक्की पांडे, उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। प्रश्न संख्या 193, हाल ही में बिहार के किस जिला के तिलकुट और पत्थलकटी को GI टैग के लिए आवेदन किया गया है, इसको GI टैग प्रदान किया जाएगा, इसके लिए एप्लीकेशन भरा गया है, आवेदन किया गया है। तो साथियों यह प्रोडक्ट जो है, यह उत्पाद गया से संबंधित है, तिलकुट और पत्थलकटी, इसे GI टैग प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रश्न संख्या 194, बिहार के किस जिले के वारसलिंगगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में अडानी ग्रुप के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा, तो इसका स्थापना साथियों नवादा में किया जाएगा, नवादा जिले के वारसलीगंज स्थित है, वहाँ पे अडानी ग्रुप के द्वारा एक सीमेंट फैक्ट्री का स्थापना किया जाएगा। प्रश्न संख्या 195, एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा है, तो इसमें बिहार का स्थान पूरे भारत देश में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 196, जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में होने वाले FIVB वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ है, तो बिहार की तरफ से सुशांत कुमार और अनुज कुमार, इन दोनों का चयन साथियों मनामा बहरीन में होने वाले वॉलीबॉल मेंस अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किया गया है, राष्ट्रीय टीम में इनका चयन हुआ है। प्रश्न संख्या 197, कह रहा है कि 4 से 7 मई 2023 तक बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी, आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में किसने बिहार को स्वर्ण पदक दिलाया है, तो यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा लॉन्च आयोजित किया था उसमें दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, जिनका संबंध बिहार से है, और इसका आयोजन साथियों कर्नाटक बेंगलोर में आयोजित किया गया था।
प्रश्न संख्या 198, एक आंकड़े के अनुसार बिहार में सह शिक्षा वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो गई है? तो यह बढ़कर साथियों 99% तक पहुंच गई है। प्रश्न संख्या 199, बर्लिन में आयोजित ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस जिला के गजेंद्र कुमार ने शॉर्ट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो यह गजेंद्र कुमार का संबंध है जहानाबाद से। जहानाबाद जिला के रहने वाले गजेंद्र कुमार ने शॉर्ट पुट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसका आयोजन साथियों बर्लिन में किया गया था। प्रश्न संख्या 200, जो कि इस सेट का यानी कि जो इस सेशन की अगर बात करें, इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा। तो साथियों बने रहेंगे आप इस चैनल के साथ और वीडियो को क्या करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 200, हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह जीता गया है प्रमोद भगत के द्वारा, जिन्होंने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के तरफ से 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। साथियों अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे साथियों हम लोग 201 नंबर प्रश्न से लेके 400 तक के प्रश्नों को यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।